तो समीरा भाईंदर में अलग अलग प्रभाग है जहाँ के लोगों को कई सारी समस्याओं का सामना हर दिन करना पड़ता है। सारी समस्याओं का हल करने का काम वहाँ के लोक नेता का होता है। ऐसे ही प्रभाग 14 में होने वाले अलग अलग मुद्दों पर स्थानिक लोगों को हो रही समस्या पर चर्चा करके जल्द से जल्द MBMC एक्शन लेकर काम शुरू करने की मांग शिवसेना के उपजिला प्रमुख राम भवन शर्मा ने की है। इसके लिए उन्होंने 146 विधानसभा प्रमुख सचिन मांजरेकर के साथ MBMC के आयुक्तों से चर्चा की है। आइए देखते हैं इस मामले पर शिवसेना के उपजिला प्रमुख राम भवन शर्मा और 146 विधानसभा प्रमुख सचिन मांजरेकर ने क्या कहा है। आज मीरा भाईंदर प्रभाग क्रमांक 14 के नागरिकों की समस्या के बारे में हम लोग आज आयुक्त से मुलाकात किए। हमारे विधानसभा प्रमुख श्री सचिन जी मांजरेकर जी के मार्गदर्शन में हमारे उपसर प्रमुख बाबा साहब बंडे, शिवाजी पानमान, सभी शाखा प्रमुख, विभाग प्रमुख, उपविभाग प्रमुख, आज हम लोग निवेदन 16 निवेदन दिया आयुक्त को, जिसमें मुख्य रूप से था हमारे देर BSUP के अंदर जो काम रुका हुआ है उसका था। दूसरा विषय था हमारे जो मीरा भाईंदर मनपा के BSUP के अंतर्गत सदाशिव ठनके और सिंगारे, एक कई साल से इस महापालिका में कार्यरत हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लग चुका है। राजीव आवास योजना के अंतर्गत उनको लाया गया था प्रतिनियुक्ति पे, लेकिन राजीव आवास योजना इस शहर में लागू नहीं हुआ, वो हमारा एक विषय था, उनको कार्यमुक्त करें। तीसरा एक विषय था कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका में 28 अगस्त से आज तक के 2022 से जितने भी प्रशासकीय ठहराव हुए हैं, उस ठहराव को आप जैसे कि श्वेत पत्रिका जारी करें लोगों को, नागरिक, क्योंकि वेबसाइट जो है लोग ऑनलाइन लोग 80% लोग नहीं देख पाते हैं, तो उसको श्वेत पत्रिका जारी करें। एक चौथा विषय था, वो खास करके विषय जिस विषय हमारे ग्रामीण विभागों में लगता है लागू होता है, कि पानी का टैंकर जो के माध्यम से जो सप्लाई होता है, जहाँ पे पानी की पाइपलाइन नहीं है वहाँ पे, तो जब भी मनपा कार्यरत थी, जब यहाँ पे नगर सेवक और महापौर बसा करते थे, तभी स्थायी समिति में एक ठहराव हुआ था कि ग्रामीण भागों में स्लम एरिया में झोपड़पट्टी भाग में 500 रुपये में प्रति टैंकर दिया जाए और सोसाइटियों में 1000 रुपये की जाए। आज प्रशासकीय ठहराव करके माननीय आयुक्त महोदय ने, पानी पुरवठा विभाग ने उसको 1000 रुपया किया, तो आयुक्त से हमने निवेदन किया कि उसको 1000 रुपये के जगह पे पूर्वत 500 रुपया किया जाए, आयुक्त ने उसको मंजूर किया। और हमारे इधर कुछ 24 नंबर बसेस बढ़ाने की और मिनी बसेस चालू करने की मांग हमने की थी, उन्होंने आयुक्त ने मंजूर कर लिया है। और प्रभाग में 14 में समांतर नाला जो है साई पैलेस से लेकर के मीनाक्षी नगर तक, उसके बारे में हमने किया। स्पीड ब्रेकर की समस्या थी, अभी पूरे मीरा भाईंदर में झाड़ जो है उजाड़ की छटाई होनी चाहिए बारिश में, वो भी नहीं हो रहा था, उसका भी हमने निवेदन दिया, आयुक्त ने उसे भी मंजूर किया। और एक विषय था हमारे इधर नारायण सिंह कॉन्ट्रैक्टर श्री गणेश डेवलपर्स, उनको 7 फरवरी को पानी की पाइपलाइन डालने के लिए कासिमराज 14 नंबर प्रभाग में वर्क ऑर्डर दिया गया था, आज तक उन्होंने पाइपलाइन डाली नहीं, तो उसके ठेका रद्द करके 2 नंबर के ठेकेदार को दिया जाए और उसे ब्लैक लिस्ट में डाला जाए, ऐसा करके हमने उनको निवेदन दिया। सभी निवेदन को माननीय आयुक्त ने बहुत ही विचारपूर्वक गौर से सुना है और जल्द ही उन सारी समस्या को निदान करने का हमें आश्वासन दिया है। देखिए, हम आश्वासन है, आपको मालूम है कि हम जब कोई भी निवेदन देते हैं तो उसका पाठ पूरा हुआ करते हैं। अभी अगला हमारी जो कड़ी होगी वो RMC प्लांट को लेकर होगा, अगले हफ्ते में फिर आयुक्त से मिलेंगे और RMC प्लांट को किस तरह से दिया गया, परमिशन दिया गया, उसकी जाँच हो और जो RMC प्लांट है हमारे वहाँ पर रद्द किया जाए, ताकि वहाँ के स्कूली बच्चे हैं, जैसे मासाचा पढ़ा मराठी स्कूल है, अभी बहुत बड़ी एक MIT स्कूल वहाँ पे है, उसके बच्चे पढ़ते हैं, तो उसके प्रदूषण से वो लोग बीमार हो सकते हैं, तो उसकी भी हम अगले हफ्ते में आयुक्त से मिलकर के निवेदन देंगे। 100% इसके अंदर काम होना ही होना है, क्योंकि जिस तरीके से हमारा फॉलोअप रहता है या शिवसेना जिस तरीके से खड़ी रहती है, सबसे बड़ी बात होती है आयुक्त ने साहब ने खुद ये कहा कि प्रताप सरनाइक साहब ने ना भूतों ना भविष्य, आज के पहले ना किसी ने इतना निधि लाया था ना कोई किसी ने प्रयास किया था, तो बहुत ज़्यादा निधि लेके सरनाइक साहब आए हैं, तो उनका काम होना ही चाहिए। जो लाइन ऑफ एक्शन में काम रहेंगे, जो पाइपलाइन में काम रहेंगे, सारे चीज़ें एक के बाद होने वाली है, पर हमें उन्होंने सामने से कहा कि जब तक ये नहीं होता आप यहाँ पे आइए, आपका फॉलोअप रखिए। मैं भी चाहूँगा कि ये सारे के सारे काम होने चाहिए और प्रभाग नंबर 14 की जितनी भी समस्या आज हमने उनके पास रखी है वो पूरी करेंगे, ऐसा पूरा आश्वासन उन्होंने हमें दिया है। साथ ही साथ आयुक्त साहब को आज 1 साल भी पूरा हो गया, 9 अगस्त 2023 को यहाँ पे आए थे, आज 9 अगस्त 2024 है, तो उसकी भी शुभकामनाएं हमने दे दी और शुभकामनाएं के साथ उनसे ये मांग की कि अगली बार हम जब आएंगे तो इस तरह से ही वार्तालाप होना चाहिए, ना कि हमें आंदोलन का रूप लेना चाहिए। और तो 146 में तो एक ही है, प्रताप सरनाइक जी, और कोई दूर दूर तक है नहीं और होगा भी नहीं। देखो, ये प्रोसेस की बात होती है, निधि लाना ये बहुत बड़ा प्रयास रहता है जो उन्होंने करके दिखाया,
उसके बाद मनपा में आने के बाद वो सारे चीज़ें को लाइन ऑफ एक्शन में लाने के लिए टेक्निकल जो टाइम लगता है उतना होता ही होता है, लेकिन कभी कभी कर्मचारी भी उसको बहुत डिले कर देता है। तो उसी पे अंकुश लगाने के लिए हम लोग यहाँ पे आज आए थे, एक थोड़ा उनके आँख खोल दी है कि भाई ये निधि है, ये काम है, अभी इसका स्पीड बढ़ाइए, लोगों की ज़रूरत है। जी, जैसे कि आपने सुना, इस पूरे मामले पर MBMC के आयुक्त से उन्होंने बात की, चर्चा हुई और हर मुद्दे को लेकर आम जनता को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ये सब बातें उस चर्चा में हुई है। MBMC की तरफ से जल्द एक्शन ली जाती है या ये चर्चा भी ऐसी की ऐसी रहती है, इस पूरे मामले पर आपकी क्या सोच है हमें कमेंट करके जरूर बताइए और जुड़े रहिए MB Live के साथ।